ममता सरकार को गिराने के बाद ही रखूंगा बात। यह प्रण लेकर कांग्रेस नेता कौस्तुभ बागची ने भी सरक मुंडवाया सर। नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एस्केलेट। कांग्रेस नेता कौस्तुभ ने कहा कि जब तक ममता बनर्जी की सरकार की राज्य से विदाई नहीं हो जाती, वे अपने सर पर बाल नहीं रखेंगे। आपको बता दें कि सागर दीघी उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी पर व्यक्तिगत हमला किया था। इसके विरोध में कौस्तुभ ने एक निजी टीवी चैनल पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक बयान दे दिया। तृणमूल समर्थक सुमित सिंह द्वारा शुक्रवार की रात करीब 11 बजे बरतोला थाने में कौस्तुभ बागची के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने शनिवार तड़के 3:30 बजे कौस्तुभ के घर उत्तर 24 परगना के बैरकपुर पहुंच गई। पुलिस ने बिना नोटिस दिए ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उनकी अदालत में पेशी हुई। अदालत में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 1,000 रुपए के निजी मुचलके पर बागची को जमानत दे दी, जिसके बाद कौस्तुभ बागची ने 20 सड़क पर बैठ गए और तृणमूल सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताते हुए अपना सिर मंडवा लिया और यह प्रण भी लिया कि वो अपने सर पर तब तक बाल नहीं उगाएंगे जब तक राज्य से ममता सरकार की विदाई नहीं हो जाती। Damro, internationally trusted furniture. श्री गणेशाय नमः। श्री बालाजी ज्योतिष केन्द्र जस्तै समस्या होस् काम बन्नै सक्दैन भने त्यसको ग्यारेन्टी सित समाधान गरिनेछ। प्रेम प्रीति गोप्य शत्रु व्यवसायमा समस्या, दोकान ठिकसित चल्न सक्दैन, घरेलु समस्या, धन सम्पत्तिको नोक्सानी, कोर्ट केस, व्यवसाय नचल्नु, पशुधनको बर्बादी, पढाइमा मन नलाग्नु, विवाहमा ढिलाइ इत्यादि, यी सम्पूर्ण समस्याको लागि पण्डित तुषार शर्मा गोल्ड मेडलिस्टले निशुल्क जोखाना हेर्नुहुनेछ। यसैले उहाँसित शीघ्र सम्पर्क गर्नुहोस्। नम्बर 6375847663।